प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल पैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम ताजमहल की सैर करेंगे जो हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा शहर के ताजगंज क्षेत्र में स्थित है। तो आइए सैर करते हैं। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तु शैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाली अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। प्रिय दर्शकों, देखिए कितनी भीड़ यहाँ जमा है ताजमहल को देखने के लिए। ताजमहल प्यार का एक प्रतीक है। आज वैलेंटाइन डे है, प्यार करने वालों के लिए इजहार का दिन है। इसीलिए प्रेमी युगल की लाखों संख्या में भीड़ यहाँ जुटी हुई है। ताजमहल जो कि हालांकि एक मकबरा है, लेकिन सच्चे प्यार की दास्तां को बखूबी दर्शाता है। इसीलिए दो प्यार करने वाले प्रेमी युगल के दिलों में ये बहुत ही खास स्थान रखता है। साधारणतया देखे गए संगमरमर की सिल्लियों की बड़ी बड़ी परतों से ढककर बनाई गई इमारतों की तरह न बनाकर इसका श्वेत गुंबद एवं टाइल आकार में संगमरमर से ढका है। केंद्र में बना मकबरा अपनी वास्तु श्रेष्ठता में सौंदर्य के संयोजन का परिचय देते हैं। ताजमहल इमारत समूह की संरचना की खास बात है कि यह पूर्णतया सममितीय है। इसका निर्माण सन 1648 के लगभग पूर्ण हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौरी को प्रायः इसका प्रधान रूपांकन करता माना जाता है। ताजमहल परिसीमिति आगरा नगर की दक्षिण छोर पर एक छोटी भूमि पठार पर बनाया गया था। पूर्व में इस जमीन पर राजपूताना राज्य अंतर्गत जयपुर के महाराजा जयसिंह का आलीशान महल था। महाराजा शाहजहां ने इसके बदले जयपुर के महाराजा जयसिंह को आगरा शहर के मध्य एक बृहत महल दिया था। लगभग 3 एकड़ के क्षेत्र को खोदा गया एवं उसमें कूड़ा करकट भर के उसे नदी सतह से 50 मीटर ऊंचा बनाया गया, जिससे कि
सीलन आदि से बचाव हो पाए। मकबरे के क्षेत्र में 50 कुएं खोदकर कंकड़ पत्थर से भरकर नींव स्थान बनाया गया। फिर बांस के परंपरागत पैड के बजाय एक बहुत बड़ा ईंटों का मकबरे समान ही ढांचा बनाया गया। यह ढांचा इतना बड़ा था कि अभियांत्रिकों के अनुमान से उसे हटाने में ही सालों लग जाते। इसका समाधान यह हुआ कि शाहजहां के आदेशानुसार स्थानीय किसानों को खुली छूट दी गई कि एक दिन में कोई भी चाहे जितनी ईंटें उठा सकता है, और वह ढांचा रात भर में ही साफ हो गया। सारी निर्माण सामग्री एवं संगमरमर को नियत स्थान पर पहुंचाने हेतु एक 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का ढाल बनाया गया। 20 से 30 बैलों को खास निर्मित गाड़ियों में जोड़कर शिलाखंडों को यहाँ लाया गया था। एक विस्तृत पैड एवं बल्ली से बनी चरखी चलाने की प्रणाली बनाई गई, जिससे कि खंडों को इच्छित स्थानों पर पहुंचाया गया। नदी से पानी लाने हेतु रहट प्रणाली का प्रयोग किया गया था। उससे पानी ऊपर बने बड़े टैंक में भरा जाता था। फिर यह 3 गौण टैंकों से भरा जाता था, जहां से यह नालियों पाइपों द्वारा स्थानों पर पहुंचाया जाता था। आधारशिला एवं मकबरे को निर्मित होने में 12 साल लगे। शेष इमारतें एवं भागों को अगले 10 वर्षों में पूर्ण किया गया। इनमें पहले मीनारे, फिर मस्जिद, फिर जवाब एवं अंत में मुख्य द्वार बने। क्योंकि यह समूह कई अवस्थाओं में बना, इसलिए इसका निर्माण समाप्ति तिथि में कई भिन्नताएं हैं। यह इसलिए है क्योंकि पूर्णता के कई पृथक मत हैं। मुख्य मकबरा 1643 में पूर्ण हुआ था, किंतु शेष समूह इमारतें बनती रही। इसी प्रकार इसकी निर्माण कीमत में भी भिन्नताएं हैं, क्योंकि इसकी कीमत तय करने में समय के अंतराल काफ़ी फर्क आ गया। फिर भी कुल मूल्य लगभग 3,20,00,000,000 रुपए उस समयानुसार आंका गया है, जो कि वर्तमान में खरबों डॉलर से भी अधिक हो सकता है। यदि वर्तमान मुद्रा में बदला जाए, ताजमहल को संपूर्ण भारत एवं एशिया से लाई गई सामग्री से निर्मित किया गया था। 1,000 से अधिक हाथी निर्माण के दौरान यातायात हेतु प्रयोग किए गए थे। पराभासी श्वेत संगमरमर पत्थर, जो राजस्थान मकराना से लाया गया था, जैस्पर को पंजाब से, हरिताश्म या जेड एव स्पटिक या क्रिस्टल को चीन से, तिब्बत से, फिरोजा अफगानिस्तान से, लैपिज लजूली श्रीलंका से, नीलम एव अरबिया से, इंद्रगोप या कार्निलियंस लाए गए थे। कुल मिलाकर 28 प्रकार के बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न श्वेत संगमरमर में जड़े गए थे। ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को अपने पुत्र औरंगजेब द्वारा अबदस्त कर आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया गया था। शाहजहां के मृत्यु के बाद उन्हें उनकी पत्नी के बराबर में दफना दिया गया था। अंतिम 19वीं सदी होते होते ताजमहल की हालत काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चली थी।
1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ताजमहल को ब्रिटिश सैनिकों एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा काफ़ी विरूपण सहना पड़ा था। उन्होंने बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न लैपिज लजूली को खोद कर दीवारों से निकाल लिया था। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश वाइस राय नैथेनियल कर्जन ने एक वृहद प्रत्यावर्तन परियोजना आरंभ की। यह 1908 में पूर्ण हुई। उसने आंतरिक कक्ष में एक बड़ा दीपक या चिराग स्थापित किया जो काहिरा में स्थित एक मस्जिद जैसा ही है। इसी समय यहाँ के बागों को ब्रिटिश शैली में बदला गया था, वहीं आज दर्शित है। सन 1942 में सरकार ने मकबरे के इर्द गिर्द एक मचान सहित पैड बल्ली का सुरक्षा कवच तैयार कराया था। यह जर्मन एवं बाद में जापानी हवाई हमले से सुरक्षा कर पाए। सन 1965 एवं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ही किया गया था, जिससे कि वायु बम वर्षकों को भ्रमित किया जा सके। इसके वर्तमान खतरे वातावरण के प्रदूषण से हैं, जो कि यमुना नदी के तट पर है, एवं अम्ल वर्षा से जो कि मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकले धुएं के कारण है। इसका सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भी कड़ा विरोध किया गया था। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। सचमुच अद्भुत है इस ताजमहल की खूबसूरती। इस इमारत का निर्माण सदा प्रशंसा एवं विस्मय का विषय रहा है। इसमें धर्म, संस्कृति एवं भूगोल की सीमाओं को पार करके लोगों के दिलों में व्यक्तित्व और भावनात्मक प्रतिक्रिया जगाई है, जो कि अनेक विद्याभिमानियों द्वारा किए गए मूल्यांकनों से ज्ञात होता है। एक पुरानी कथा के अनुसार शाहजहाँ की इच्छा थी कि यमुना के उस पार भी एक ठीक ऐसा ही किंतु काला ताजमहल निर्माण हो, जिसमें उनकी कब्र बने। यह अनुमान जीन बैप्टिस्ट टैव नियर, प्रथम यूरोपियन ताजमहल पर्यटक जिसने आगरा में 1665 में भ्रमण किया था, के कथानुसार है। उसमें बताया है कि शाहजहाँ को अपदस्त कर दिया गया था इससे पहले कि वह काला ताजमहल बनवा पाते। काले पड़े संगमरमर की शिलाओं से जो कि यमुना के उस पार महताब बाग में है। सन 1990 के दशक में की गई खुदाई से पता चला कि यह श्वेत संगमरमर ही थे जो कि काले पड़ गए थे। साथ ही इमारतें जो ताजमहल इमारत समूह रक्षा दीवारों से परिबद्ध है, यह दीवारें तीन ओर लाल बलुआ पत्थर से बनी है एवं नदी के ओर खुला है। इन दीवारों के बाहर अतिरिक्त मकबरे स्थित हैं, जिसमें शाहजहाँ की अन्य पत्नियां दफन हैं। एक बड़ा मकबरा मुमताज की प्रिय दासी हेतु भी बना है। यह इमारतें भी अधिकतर लाल बलुआ पत्थर से ही निर्मित है एवं उस काल के छोटे मकबरों को दर्शाती है। इन दीवारों की बागों से लगी अंदरूनी ओर में स्तंभ सहित तोरण वाले गलियारे हैं। यह हिंदू मंदिरों की शैली है, जिसे बाद में
मस्जिदों में भी अपना ली गई थी। दीवार में बीच बीच में गुंबद वाली गुमटियाँ भी हैं। तो आइए ताज के मुख्य आंतरिक कक्ष में। ताज महल का केंद्र बिंदु है एक वर्गाकार नींव आधार पर बना श्वेत संगमरमर का मकबरा। यह एक सममितीय इमारत है जिसमें एक ईवान यानी अतीव विशाल वक्राकार मेहराब रूपी द्वार है। इस इमारत के ऊपर एक बृहद गुंबद सुशोभित है। इसका मूल आधार एक विशाल बहुकक्षीय संरचना है। यह प्रधान कक्ष घनाकार है जिसका प्रत्येक किनारा 55 मीटर है। लंबे किनारों पर एक भारी भरकम पिस्ताक या मेहराबाकार छत वाले कक्ष द्वार हैं। यह ऊपर बने मेहराब वाले छज्जे से सम्मिलित है। मुख्य गुंबद के किरीट पर कलश है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। यह किरीट कलश फारसी एवं हिंदू वास्तुकला के घटकों का एकीकृत संयोजन है। इस बेशकीमती नायाब ताज की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। प्रिय दर्शकों, इस खूबसूरत प्यार के प्रतीक ताज की सैर करके दिल खुशियों से भर गया। आप भी यहाँ आएं और इस खुशी का एहसास करें। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके प्यार भरे सहयोग के लिए।